मैम आप पहले दिन से यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार आप श्रीकांत त्यागी के जो पुराने कारनामे हैं उसको आप खुल करके बता रही हैं। अब श्रीकांत त्यागी जब पकड़ा गया है तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं और यहाँ की गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहेंगे, योगी जी के बिल्डरों को थैंक्स बोलना चाहेंगे और सोसाइटी के रेजिडेंट्स और जो मीडिया ने हमारा पूरा साथ दिया है। किसी ने साथ उस टाइम दिया ना हो, यदि आज मीडिया नहीं होती तो सब लोगों के पास हमारी आवाज़ नहीं जा सकती थी। स्पेशल थैंक्स फॉर मीडिया। और इतना खुश हैं कि ऐसा लग रहा है कि खुली हवा में सांस ले रहे हैं हम लोग। ये बताइए कि जब श्रीकांत त्यागी जब पकड़ा गया और बीते दिनों जिस तरीके से लोग बाहर पहुंचे थे, तो क्या कहीं ना कहीं एक डर भी है कि उसके लोग फिर से आ सकते हैं या वो आतंकित करेंगे? वो लोग आए भी थे, जैसे मीडिया में कहा जा रहा है कि त्यागी समाज के लोग खाना लेके गए। उन बच्चों के हाथ में कुछ नहीं था, खाने के बैग्स भी नहीं थे और 10 या 12 लोग थे, तो 6 लोगों को क्यों पकड़ा गया? हम ये नहीं कह रहे आप उनको जेल में डालो, ये कि कम से कम हमें बात तो करने देते, कहाँ से आए, उनकी इंक्वायरी तो करने देते। पुलिस तो सीधा उठा के ले गई उनको, पता नहीं चल पाया वो कहाँ से आए थे, पर उनके जो पोस्टर निकले हैं वो बीजेपी से रिलेटेड निकले हैं। क्या अब आप लोग जो है श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ, पूरे भाईचारे के साथ अब आप लोग भी रहेंगे सोसाइटी के लोग? सर देखो, हमारी किसी बच्चे से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर हम नहीं चाहेंगे ये परिवार यहाँ रहे, इस फ्लैट को बैन किया जाए और पता किया जाए ये फ्लैट किसका है। ये बताइए कि आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि वो भविष्य में यहाँ आए? सर आई थिंक थोड़े दिन पहले यहाँ एक किस्सा भी हुआ था कि बच्चे आपस में खेल रहे थे, गाली अब्यूजिंग हो रही थी, तो त्यागी जी उनके घर धमकाने पहुंच गए, तू कौन होती है, तू कैसे मना करेगी, तेरे बच्चे नहीं खेलेंगे। तो क्यों यार, मैं अभी आपको, जिन्होंने पहले एक फैमिली पर अटैक किया था उसका मेल आ चुका है, आप लोगों को मेल चाहिए, मैं कॉपी आपको दे सकती हूँ उसकी। उन्होंने योगी पुलिस वाले को RW कंप्लेंट की थी, किसी ने कोई एक्शन नहीं करा, RW ने सीधा बोल दिया कि भैया तुम्हारा पर्सनल मैटर है। उसके बाद जो पुलिस वाला था पैसे लिए वो उस पैसे लिए, उसने भी कोई एक्शन नहीं करा। फिर यो सब लोगों ने, किसी ने भी उनका लोग आए, किसी ने साथ नहीं दिया। तो एक आखिरी सवाल कि अब आप लोग सुरक्षित महसूस करेंगे या भविष्य के लिए? सर सुरक्षित तो महसूस करेंगे ही हम लोग, और क्या, हम लोग जो रेजिडेंस हैं इसी तरह जो हमने आवाज़ उठाई है, एक साथ जुड़ के आगे भी रहेंगे और ऐसे गुंडा राज वो खत्म करेंगे सोसाइटी से। तो सुना आपने, ये सोसाइटी के रेजिडेंट है जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस तरह से जो है हमें गुंडा राज से मुक्ति मिली। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।